subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. आइए इन कहानियों के साथ सिलसिला शुरू करते हैं, सबके घर की अलग कहानी। पहली कहानी हमारी भावज और नंद की जो है, सबीता है हमारे साथ एंड इकरा है। जी, सबीता कौन है, इकरा कौन है? जी मैं सबीता हूँ। आप सबीता हैं? मैं नंद हूँ। अच्छा, और ये भाभी हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, ठीक ठाक है? नंद भाभी जी, अलग देखिए, ऐसे तो जो आजकल वो होता है ना, बाकायदा फुप्पो और नंद और उन लोगों के ऊपर बड़ा मजाक और बड़े लतीफे बन रहे होते हैं, तो आपको इस चीज से गुजरना पड़ा क्या एज नंद? हमेशा ही ऐसा ही होता है। हाँ। कि नंदे एक प्रेशर में होती हैं, क्योंकि नंद तो वो होती है जो भाभियों को इतने प्यार खुलूस से लेकर आती है शादियां करके, फिर क्या होता है, नंदे हमेशा बुरी बन जाती हैं। बट ये समझ नहीं आता कि नंद का कैरेक्टर हमेशा से सबके माइंड में इतना गलत, इतना खराब क्यों है। हाँ। अब इनको क्या मुझसे प्रॉब्लम्स है ये तो मैं नहीं जानती, वो तो आज यहाँ हमें मालूम होगा। हाँ। कि ये दिल में इनके क्या क्या चीजें हैं। हाँ। तो अच्छा, अब इससे पहले कि मैं भाभी के पास जाऊँ, जनरली अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आपको क्या लगता है कि भाभियों की वजह से नंदों को प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? मैं नहीं कह रही कि आपकी भाभी से हो रही है आपको, लेकिन अगर आप जनरली देखती हैं तो आप क्या सुनती हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाभी से नंद को? भाभी से नंद को तो कभी नहीं होती, क्योंकि वो तो इतनी प्यार मोहब्बत से, भाइयों के अरमान होते हैं कि उनकी भाभी वाइफ लेकर आनी है। फिर क्या होता है ना कि इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, होता ये कि फिर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इशूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर में, फैमिली का पूरा एनवायरनमेंट खराब। अच्छा, आपको लगता है नंदों को भाभियों से कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मुझे नहीं। चलें, आप खुश नसीब है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और कहती है। हाँ, मैं बताती जी, आप बताइए एज भाभी। नहीं, मैं कह रही हूँ नंदों को भी भाभी से प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, जो आपस में मैं किससे कहानियां सुनती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, वो भी है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चले पहले आपकी बात सुनते हैं। एज भावज क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बदकिस्मती से ये मेरी नंद बन गई है। अच्छा, बट अब बन गई है तो बन गई है। मसला ये है कि इनका हमेशा से, असल जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है इंसान। एक जैसे आप एक सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, इनका ये है कि ये शादी से पहले भी जीना हराम था हमारा, शादी के बाद भी जीना हराम। क्या वजह थी ऐसी? ये गई है बड़े घर में शादी होकर, अब ये वहाँ शादी होकर गई है तो इनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, घर बार हर चीज, तो ये मतलब ब्रांड्स पहनने लग गई है। अब जब ये घर आती है, आकर ये कहती है कि आज मैंने इस ब्रांड का ड्रेस पहना, तो आज मैंने उस रेस्टोरेंट का खाना खाया, आपने इतना सड़ा हुआ सूट पहना हुआ, आपने फैसल बाजार का ड्रेस लिया हुआ। मतलब आप अगर अच्छा ब्रांड पहन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपकी ही लेवल पर होगा। आपका भाई जितनी इनकम मतलब देता है, मैं उसके हिसाब से घर के अखराजात पूरे करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है आप सामने आकर मुझे जो है कॉम्प्लेक्स का शिकार बना रही है कि मैं एहसास कमतरी हो रही हूँ इसकी वजह से। इस वजह से क्यों आप मुझे कहती हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, आप ऐसी नहीं हो, आप ऐसा क्यों नहीं करती हो, मतलब सो मेनी थिंग्स टिपिकल है बहुत ज्यादा। तो आप बहुत रिश्तों को सुलझाने की सबसे बड़ी कुंजी है कम्युनिकेशन, बात करती हैं कभी आप? कम्युनिकेशन कभी बनाए नहीं ना, मतलब नहीं, जब कभी अगर कभी अगर ये आपके पास आके ये बोलती कि आपने क्या सड़ा हुआ जोड़ा पहना हुआ, या कुछ ऐसे जुमले आप पे बोलती जिनसे आप हर्ट होती हैं, आपने कभी बोला कि तुम ये कैसे बोल रही हो, जो तुम्हारा भाई कमा के लाएगा, मैं तो वही जाहिर है। एग्जैक्टली, मैंने सेम यही मतलब मेरे वर्ड्स होते हैं कि आप इस तरीके से सामने वाले को जलील एक तरह से करना होता है कि भाई आपने फैसल बाजार का सूट पहना हुआ, आपने इतवार बाजार का नाम क्यों ले लिया बहन, मतलब कोई भी बाजार होता है कि आपने इस बाजार का सूट पहना हुआ है, उसका पहना हुआ है, तो मतलब ये है कि आप सामने वाले को क्यों इतना वो कर रही हो। हाँ। जबकि आप ये बात जानती हो कि आपका भाई क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता है, आपके घर के कैसे मतलब एक्सपेंसेस हैं जो मैं रोजाना चला रही होती हूँ, तो वो मुझे पता है। आप अपने घर चले गई हो, आपको अपने घर का मालूम है। अब आपके अगर बड़े घर में शादी हो गई है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब वो ये कहती है कि जो है मैंने मतलब घर का बिल्कुल माहौल खराब कर दिया। अगर हम इस लाइक इसको कंक्लूड करें तो आपका प्रॉब्लम नंद से ये है कि वो आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रही है अपनी जुबान से, अपने रवैयों से। जी, और कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ? ऐसा कुछ नहीं है, ये इतनी ज्यादा गलत और शिकायत मुझसे इनको है, मुझे तो मालूम भी नहीं था। बट बात सर ये है कि जब लड़कियां अपने मैके जाती हैं तो अपनी अम्मी से, अपने घर वालों से, अपनी खुशियां, अपनी हर चीज घर वालों से डिस्कस करती हैं। हाँ। कि मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ खाना खाया, मैंने ये शॉपिंग की। अब वो सारी बातों को लेके कि वो उस
कॉम्प्लेक्स में आ गई हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जो आपकी अपनी एक्साइटमेंट होती है, जैसे हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो हम अपनी बहनों को बताते हैं मेरी नौकरी में प्रमोशन हो गई, मेरे मियां जो है वहाँ ट्रांसफर हो गया, वो ऐसे ओहदे पे पहुंच गया। तो जब हम अपने घर वालों को हमेशा बता रहे होते तो हमारी बहनें या हमारी अम्मी हमेशा खुशी महसूस करती हैं, कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्यों कम हूँ। या आपका कहने का मकसद ये है, लेकिन एक बात तरीका होता है ना, हाँ आपने जो कहा कि आप अपनी खुशी डिस्कस करना चाहती हैं जब आप अपनी अम्मी के घर जाती हैं, आपको अंदाजा है कि आपके भाई मे भी इतना नहीं अर्न करते जितना आपके हस्बैंड करते हैं, तो इसका आपको नहीं ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो भाभी आपके कपड़े पहन रही हैं वो वही पहन रही है जो आपका भाई उनको खरीद के दे रहा है, ये खुद तो नहीं कमा कर लेकर आ रही ना अपने पास। तो आपको इसका नहीं ख्याल रखना चाहिए, मुझे लाइफ स्टाइल जो दिया हुआ है वो इनके भाई ने दिया। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि जिस मार्केट से भी शॉपिंग करो, हम भी जाते हैं नॉर्मल मार्केट से भी शॉपिंग कर लेते हैं, कभी ब्रांड्स भी पहनते हैं, बट स्टाइलिश हो, क्रोम हो, अपने अच्छा चले। लो एक बात बताए, मेरी एक बात बताए, उनके कपड़ों से आपको क्या प्रॉब्लम? एग्जैक्टली, वो तो उनका दिल है ना, जो बंदे को पसंद आएगा वो पहनेगा, वो जो आपको ट्रेंड पसंद है शायद वो उनको नहीं पसंद, वो तो अपने हिसाब से पहनेंगी ना। तो आई थिंक पर्सनल स्टाइल होता है, जो कपड़े होते हैं ना वो बंदा अपने दिल से पहनता है। दूसरा, अगर वो आपसे पूछे कि आज भाभी आपसे पूछिए यार मुझे आइडिया दो मुझे कपड़े बनाने, अगर वो आपसे पूछ रही है कि मुझे मशवरा दो, तब तो हमारा बताना बनता है, मगर ये भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना किया जी। हमेशा इनको मैं एज अ सिस्टर यही कहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, उसी में थोड़ा सा ग्रूम करो, स्टैंडर्ड में। अब ये वाली चीज बोलने का ना मुझे स्टैंडर्ड का नहीं लगता। मुझे खुद बताएं, अपने दिल पे हाथ रखे मुझे बताएं, Do you have the right के आप किसी की जिंदगी का स्टैंडर्ड फिक्स करें? नहीं, क्योंकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, आपको क्या पता कि अगर आप वो आके अपनी भाभी से डिस्कस करोगी उसका दिल तो खराब होगा। और जिसके पास पैसा है वो कोई उसके पास कोई ये राइट, जिसके पास पैसा है उसके पास राइट नहीं होता कि वो दूसरों को डिग्रेड करे कि तुम स्टाइलिश नहीं हो, तुम ग्रूम्ड नहीं हो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये चीजें आके बोलोगी मुझे भी तकलीफ होगी, लेकिन ये चीजें बोलने का ना, जैसे आपको कोई चीज है वो अच्छी नहीं लग रही घर में, आपको लग रहा है मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, तो इसको बदलने का ये है कि आप उनको गिफ्ट कर दीजिए। Exactly. वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आहिस्ता आहिस्ता आपको पसंद है कि अच्छा घर में इस तरह से हो, आप अम्मी को वो चीज गिफ्ट कर दें, बिकॉज आप तो माशाल्लाह से मतलब ग्रूम करने का तरीका उन्होंने ये बताया, बजाय ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले जो खंजर की तरह उनके दिल पे लगते हैं, अगर आप तोहफे की शक्ल में, अगर आप चाहती हैं कि मेरी भाभी भी स्टाइलिश हो, ये होना दिल में हर कोई चाह रहा होता है, तो उसको उसका तरीका ये है कि जिस तरह आप पहनती हैं कपड़े वो आप इनको कभी कभार गिफ्ट कर दें, वो मेकअप जो आप यूज करती हैं वो गिफ्ट कर दें, तो ये जो रिश्ता जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है ये पॉजिटिविटी की तरफ।